अंकिता हत्याकांड में फंस गई बीजेपी, चेहरा दिखाने लायक नहीं बची सरकार। वावाई लूटने के चक्कर में मिटा डाले अंकिता हत्याकांड के सबूत। बीजेपी नेता के बेटे की करतूत, अंकिता का निकला हत्यारा। बेटियों के सम्मान में कसीदे गढ़ने वाले मुल्क के सबसे बड़े हुजूर से 19 बरस की इस बिटिया ने सवाल पूछा है, मेरा गुनाह क्या था, मेरी खता क्या थी कि आपकी सरपरस्ती में पलने वाले नेता के बेटे ने मुझे मौत के घाट उतार दिया। उत्तराखंड के ऋषिकेश के एक रिसॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी 18 सितंबर को गायब हो गई थी। जिस रिसॉर्ट में वो काम करती थी वो कमल छाप पार्टी के नेता विनोद आर्य का है। अंकिता के गायब होने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन मामला बीजेपी नेता से जुड़ा होने की वजह से उत्तराखंड पुलिस मोम का पुतला बनी रही। लेकिन जब मामले में पुलिस की फजीहत होने लगी तो तफ्तीश शुरू की। इसी बीच 22 सितंबर को चीला नहर से अंकिता भंडारी की लाश मिली, जिसके बाद शराफत की चादर ओढ़े बैठे बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे की करतूत खुलती चली गई। पता चला कि पुल के तार अपने ही रिसॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी पर कस्टमर से रिलेशन बनाने का दबाव बना रहा था। यानी बीजेपी नेता का बेटा बाप के रसूख पर, डंके की चोट पर जिस्म फरोशी का धंधा करवाया करता था। बार बार जब मामले में विनोद आर्य के नाम के आगे बीजेपी शब्द का इस्तेमाल होने लगा, बीजेपी के बड़े बड़े ज्ञानवीरों को लताड़ा जाने लगा, तो विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया गया और पुल के तार और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने साथ मिलकर अंकिता भंडारी को नहर में धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद बीजेपी के तमाम नेता इस बात की शेखी पकारने लगे कि देखो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता को पार्टी से ही निकाल दिया। लेकिन अंकिता हत्याकांड से नाराज जनता ने बीजेपी नेताओं की खाट खड़ी कर दी। जिस रिसॉर्ट में छिपे हुए साक्ष्यों के आधार पर बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य को उसके किए की सख्त सजा दिलाई जा सकती थी, उसी रिसॉर्ट पर सरकार के आदेश पर बुलडोजर चला दिया गया। सरकारी आदेश पर मिटा दिए अंकिता हत्याकांड के सबूत। बीजेपी के बड़े वाले नेता से लेकर उत्तराखंड के गली मोहल्ले के नेता सबको जनता लताड़ रही थी, फटकार रही थी। तो बेटी की हत्या पर चेहरा चमकाई रस्म का निर्वहन धामी सरकार ने करना शुरू कर दिया। उस रिसॉर्ट पर ही बुलडोजर चलवा दिया जिसमें इस पूरे हत्याकांड के सबूत छिपे थे। इसके बाद तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहां मासूम चेहरे के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भीष्म पितामह बन गए थे। बता रहे थे कि वो कितने उसूल पसंद है, कितने नियम और कानून पसंद है, कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जहां मन बहुत व्यथित है, अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। वारी मासूमियत, सपाट चेहरे से सीएम धामी झूठ बोल रहे थे। अगर वाकई सरकार की मंशा अंकिता को इंसाफ दिलाने की होती तो 5 दिन तक उसकी मौत का तमाशा नहीं बनता। अगर वाकई सीएम धामी इस मामले को लेकर गंभीर होते तो उस रिसॉर्ट को नहीं तोड़ा जाता जिसमें आखिरी बार अंकिता गई थी। लेकिन इन दिनों बीजेपी के नेताओं पर बुलडोजर नीति सवार है, जिससे एक झटके में वो खुद को रॉबिन हुड घोषित करवा देते हैं। लेकिन धामी की यही गलती उन पर भारी पड़ गई, क्योंकि बात बात पर बुलडोजर चलाने की धमकी देने वाले, मासूम लोगों के घरों को तोड़ देने वालों ने अपनी पार्टी के लाडले नेता के बिगड़ैल बेटे की करतूत पर उसका सिर्फ रिसॉर्ट तोड़ा, उसके घर को जमींदोज नहीं किया गया। सवाल बस इतना सा उठता है कि इस मुल्क की बच्चियों से झूठ बोलने का माता बीजेपी के हुजूर आला कैसे आती। सवाल बस इतना सा उठता है कि इस मुल्क की बच्चियों से झूठ बोलने का माता बीजेपी के हुजूर आला कैसे रखते हैं। क्या हत्या और बलात्कार करने वाले या उसके परिवार वालों के नाम के आगे बीजेपी लिख देने से कानून बदल जाता है। अब तक किसी और पार्टी से जुड़ा होता विनोद आर्य तो घर को तोड़ दिया जाता, परिवार को सड़क पर ला दिया जाता, बीजेपी के नेता छाती पीट रहे होते,
स्मृति ईरानी महिलाओं के सम्मान में राग अलाप रही होती, लेकिन बात बीजेपी के नेता से जुड़ी है तो ना तो पीएम को कोई फर्क पड़ता है और ना ही स्मृति ईरानी को कोई परेशानी है। अंकिता हत्याकांड पर उत्तराखंड सरकार और बीजेपी की कार्रवाई पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द कंटाक।